एक इशू अभी हुआ है जी कि जी 8 बजे शॉप्स बंद कर दें, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। ये किसने कहा कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है? ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। मुश्किल फैसले वो जो आप इंप्लीमेंट करवा सके, देखे ना, इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी तो वो फैसले मजाक बन जाएंगे ना। बिल्कुल नहीं, मेरा ख्याल है कि उसमें ना सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट की अगर सच्ची बात की जाए तो इत्तेहाद जो है ना इसमें बड़े आड़े आते हैं, बहुत सारी पोस्ट ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से, बहुत सारे इश्यूज के हवाले से। लेकिन एक और बात भी है, कुछ चीजें हमें, मैं अब सारा कोई बैठ के तारीफें तो नहीं मैं कर सकता किसी चीज की भी, जहां तक ताल्लुक की बात है, मेरे पे मोहब्बत और प्यार की बात है उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है मुझे, और हमेशा उन्होंने मुझे इज्जत भी दी। लेकिन इस वक्त बात हो रही है मुल्क की, इस वक्त बात हो रही है सबसे बड़ी पार्टी की जी, और उसके अंदर हमें पॉलिटिकल डिसीजन लेने चाहिए। पॉलिटिकल डिसीजन, देखिए आप 10,000 मीटिंग्स कर लें, 14,000 मीटिंग्स बंद कमरों में कर लें, लेकिन उसका शायद असर नहीं होगा। जब आप लेंगे ना, अब देखे ना, मैं एक इशू अभी हुआ है जी कि जी 8 बजे शॉप्स बंद कर दें, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। ये किसने कहा कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है? ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। और फिर दूसरा बात यह है कि देखिए ब्यूरोक्रेट जो है ना, वो पीएम हाउस का हो या ब्यूरोक्रेट किसी जिले का डीसी हो या कमिश्नर हो किसी डिवीजन का, उसका कुछ नहीं जाता भाईजान। जितना कुछ आपने जवाब देना है ना वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने देना है। अब आप पीएम हाउस का ब्यूरोक्रेट क्या कर रहा है उसकी जिम्मेदारी वजीर आजम के ऊपर है, सारी है। हाँ बिल्कुल सारी है। लेकिन अब ये जो 8 PM की आपने बात की ना, देखिए इस वक्त जो एनर्जी के हमारे क्राइसिस हैं, मसाइल हैं, वो तो हम वेदर और नॉट वी लाइक इट, ये मुश्किल फैसले तो हमें करने पड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, देखिए ना, मुश्किल फैसले वो जो आप इंप्लीमेंट करवा सके, देखे ना, इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी तो वो फैसले मजाक बन जाएंगे ना। बिल्कुल, पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी ना बलोचिस्तान में, ना सिंध में है, कोई माई का लाल जाके ट्रेडर्स को 8 बजे दुकानें बंद करवा के दिखाए, मुमकिन ही नहीं होगा। वो इसलिए मुमकिन नहीं होगा कि वो चारों के चारों पॉलिटिकल स्कोरिंग करने मतलब के आप लिए ये कह रहे हैं कि इस किस्म के फैसले जो है ना ये आपको नुकसान देते हैं। अच्छा, ये आपको नुकसान देते हैं। और दूसरा बात देखिए, पॉलिटिकल, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें और भी पॉलिटिकल डिसीजंस लेने चाहिए। हमें अपने आप की तरफ देखना चाहिए कि हम कहां सियासी तौर के ऊपर कमजोर हैं और कौन इस सियासी फ्लॉ को जो है वो फिल कर सकता है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जो ब्यूरोक्रेट भी होगा, जहां मैं, अब बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं, अच्छा मुझे जो मुझे पुराने ब्यूरोक्रेट जो इमरान खान के साथ थे वो हमारे साथ भी हैं। मुझे एक बात, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो अभी आपने मुझसे पूछ भी रहे थे जी, अब आजम खान के अभी तक रहते हैं हमारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ। अब यहां से अंदाजा लगाए ना कि ये भैंसे जो होती है, भैंस भैंस का साथ देती है, तो ये इस तरीके से ये इनका स्टेक पे कुछ नहीं है ना। इन्होंने आगे जाकर किसी को हिसाब देना है ना, इन्होंने किसी से हिसाब मांगना है। हिसाब अगर किसी को देना पड़ेगा तो वो मुल्क का वजीर आजम होगा, वो उसके साथी होंगे। इतना और नुकसान उन्होंने जेलों में जाना चाह रही है, शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता वो, नहीं, मैं जनरल एक बात कर, मैं जनरल एक बात कर रहा हूं, मैं नुकसान की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि इनका स्टेक्स पे कुछ नहीं होता। ठीक, इन्होंने बोरिया बिस्तर गोल करने, अगली हुकूमत आएगी फिर उसके अंदर चले जाएंगे।